नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस और साइंस के वो देखेंगे। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम है वो अभी जैसे कि सूचनाएं आ रही है न्यूज़ वगैरह से, उनके अनुसार सितंबर के लास्ट तक है वो ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि NTPC के लिए जो बाकी फेज बचे थे उनके एग्ज़ाम भी कम्प्लीट हो चुकी है और अब रेलवे भर्ती बोर्ड के पास जो मुख्य टारगेट है वो ग्रुप डी की एग्ज़ाम है उसी को आयोजित करवाने का है। यानी मुख्य जो टारगेट अभी भर्ती बोर्ड के पास वो ग्रुप डी की एग्ज़ाम ही है। और ऑलरेडी जैसा कि इस एग्ज़ाम को काफ़ी समय हो चुका है, ऐसे में पूरी ये उम्मीद भी है, जैसे यदि कोरोना की थर्ड वेव वगैरह ना आए तो पूरी उम्मीद है और आशा है कि सितंबर के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन निकलने से लेकर अब तक है वो यानी एग्ज़ाम भी नहीं हुई है, काफ़ी समय हो चुका है, आपने अपनी तैयारी भी है वो अच्छे से बना कर रखी है। हालांकि नोटिफिकेशन निकलने से लेकर यदि दो दो ढाई ढाई साल तक एग्ज़ाम भी नहीं होते तो वो एक निराशा का माहौल वाला समय रहता है, क्योंकि बेरोज़गारी का जो एक माहौल होता है वो कैसा होता है हम किसी से अछूता नहीं है। फिर भी फ्रेंड्स, इसे सकारात्मक रूप से लेते हुए यही अपन मानकर चलते हैं कि आपकी तैयारी है वो आपने इस समय में अपनी तैयारी अच्छी की है। इस पिछले साल 2020 पूरा और 21 का अब तक का समय है वो कोरोना ने अपने पास रखा, और फिर भी जो भी है वो अपन यही मानते हैं कि अब आगे अच्छा ही होगा। इसलिए फ्रेंड्स, अभी जो समय है वो ग्रुप डी की एग्ज़ाम के वो काफ़ी नज़दीक का समय है, इसमें भी आप अपनी तैयारी को है जैसा कि आप पहले से अच्छे से पढ़ाई करते आ रहे हैं वैसे ही अपनी तैयारी को अच्छे से बना के रखिए। इसमें आप जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग पे भी है बराबर फोकस कीजिए। जनरल अवेयरनेस, साइंस, मैथ और रीजनिंग में से रीजनिंग में अमूमन सभी विद्यार्थी अच्छा करते हैं। मैथ में मैथ होती है ग्रुप डी की, वो कोई ज़्यादा एडवांस नहीं आती, मॉडरेट मैथ आती है, लगभग विद्यार्थी है वो औसत स्कोर करते हैं, यानी 65 से 75% तक है विद्यार्थी हासिल कर लेते हैं मैथ में भी। जो परेशानी वाला जो सब पोर्शन है वो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का रहता है, यानी यही आपका स्कोर डाउन और अप करता है। इसलिए इसको भी है वो आप है वो तैयारी इसकी भी अच्छे से कीजिए, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की। आज से अपन भी है वो पर डे एक जो क्लास है वो जनरल अवेयरनेस और साइंस के लेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस और साइंस दोनों के मिले जुले क्वेश्चन होंगे और आपकी इच्छा हुई तो जनरल साइंस के अलग से कर लेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप एग्ज़ाम इस क्लास को है वो एंड तक देखिए। आपकी जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपके फिजिकल, मेडिकल रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जो भी रिप्लाई होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रथम क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में ATP संश्लेषण की क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में ATP संश्लेषण की क्रिया होती है? सबसे पहले अपन देखें तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी शक्तिगृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक खोज है वो वर्ष 1857 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक वोन कोलिकर ने की थी। वोन कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जब वोन कोलिकर ने की थी तो उन्होंने इसका नाम है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था, उन्होंने केवल ये बताया था कि कोशिका का एक हिस्सा होता है जो कोशिका के लिए एनर्जी उत्पन्न करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। उसके बाद लगभग 47 वर्षों बाद वर्ष 1898 में जर्मन के साइंटिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे कार्ल बेंडा,
उन्होंने इसका नामकरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में किया। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो उन्होंने दिया था। इसके अलावा इसका नामकरण है एक अन्य वैज्ञानिक जो फ्लेमिंग है, उन्होंने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया को फिल्ला के रूप में इसका नामकरण है वो फिल्ला के रूप में किया था। और वर्ष 1886 में जो अल्टमैन है उन्होंने इसको माइक्रो प्लास्ट कहा था। और जो काफ़ी जगह है वो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता का जो यदि क्वेश्चन आए तो अल्टमैन को माना जाता है, जबकि सही आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अपने स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक वॉन कॉलिकर ने 1857 में की थी। और उन्होंने इसका नामकरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नाम नहीं बताया था, केवल इस ये समझाया था कि जो कोशिका है सेल्स हैं उनमें जो एनर्जी जो क्रिएट करने वाला जो एक पोर्शन है वो उन्होंने सुझाया था। और उसका नामकरण आगे चल के लगभग 47 वर्षों बाद कार्ल बेंडा जो जर्मन के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में और फ्लेमिंग ने इसे फिल्ला कहा था और 1886 में अल्टमैन ने इसको माइक्रो प्लास्ट कहा था। तो अपन अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है? ए है बाह्य झिल्ली, बी है मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो कोशिका का कि जो अधिकांश प्रोटीन है जो शक्ति है वो यही होती है। और जो राइबोसोम होता है वो मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, वो मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। संपूर्ण कोशिका की 2/3 जो प्रोटीन है वो मैट्रिक्स में उपस्थित होती है। क्वेश्चन में है माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है? ए है बाह्य झिल्ली, बी है मैट्रिक्स, सी है आंतरिक झिल्ली और डी है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। सही आंसर बताओ क्या होगा ए बी सी और डी में से? सही आंसर होगा सी आंतरिक झिल्ली, सी ऑप्शन है वो सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है? आंसर होगा सी आंतरिक झिल्ली। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम हो चाहे रेलवे के एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जरूर देखने को मिलता है। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन दो हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है। इसलिए जब भी एग्जाम हो उसके नज़दीकी टू ईयर्स में 2 वर्ष में जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है और वो किसके द्वारा लिखी गई है ये आप जरूर देख लें, काफ़ी उपयोगी साबित होगा ये। द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? ए है पोल आर एहरलिच, बी है मीडोस, सी है माल्थस और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा पोल आर एहरलिच, जो ए ऑप्शन है वो सही होगा पोल आर एहरलिच। द पॉपुलेशन बम के लेखक पोल आर एहरलिच। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए है जबलपुर, बी है कानपुर, सी है कुमारगंज फैजाबाद और डी है पंतनगर। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो डी सही होगा, पंतनगर में स्थित है। पंतनगर वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है, वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय पंतनगर उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश में था। भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर ये आए तो वर्ष 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की, पंत नगर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वो किस शहर में स्थित है? ए है कानपुर, बी है धामपुर, सी है रामपुर और डी है लखनऊ।
सही आंसर बताना है क्या होगा, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कह दो या राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, दोनों तरह से क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है या राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। सही आंसर होगा डी लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति जो शोध संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र है, अगर ये आए कि राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, वनस्पति की जगह अगर औषधि आ जाए, औषधि अनुसंधान केंद्र, तो भी आंसर क्या होगा, लखनऊ ही होगा। क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण समय भी अपन को दो दो बार तीन बार क्वेश्चन बोलने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना समय हो सके कम रखूं। काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, ए है पश्चिम बंगाल, बी है ओडिशा, सी है मध्य प्रदेश, और डी है ए और बी दोनों। काल बैसाखी होती क्या, सबसे पहले अगर ये देखें तो वो जो गर्म हवाएं होती है, गर्म हवाएं, तेज़ गर्म हवाएं, तेज़ गर्म हवाओं को बंगाल में बैसाखी कहा जाता है, बैसाखी कहा जाता है, बैसाखी कहा जाता है, और ये काफ़ी गर्म होती है। इसके अलावा जब शुष्क गर्म हवाएं चलती है, और साथ में आर्द्र जब समुद्री हवाएं चलती है, दोनों के मिलने पे मूसलाधार वर्षा होती है, यानी वर्षा काफ़ी तेज़ वर्षा होती है, आंधी तूफान का मौसम हो जाता है। तो जो बंगाल और उड़ीसा में जो तेज़ गर्म शुष्क हवाएं होती है तूफान रूपी, उनको बैसाखी कहा जाता है, उनको बैसाखी कहा जाता है। और इस समय जो त्यौहार मुख्यतः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है उसे काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, ए है पश्चिम बंगाल, बी है ओडिशा, सी है मध्य प्रदेश, और डी है ए और बी दोनों। तो जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों जगह ये मनाई जाती है। काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, तो ऑप्शन में आपको डी सही करना है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर आपको बताना है क्या होगा, ए में है नवंबर 1972, बी में है नवंबर 1974, सी है नवंबर 1975, और डी है नवंबर 1977। सही आंसर बताओ क्या होगा, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। आंसर होगा सी, नवंबर 1975 ईस्वी में, नवंबर 1975 ईस्वी में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ए है धनबाद, बी है नागपुर, सी है कोलकाता, और डी है काठगोदाम। सही आंसर बताओ क्या होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उनमें शामिल है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंसर होगा सी कोलकाता, कोलकाता विल बी राइट आंसर। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन है वो कहाँ किया गया था, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन है कहाँ किया गया था, ए में है पश्चिम बंगाल, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र, और डी है पंजाब में। तो सही आंसर बताओ क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है वो आसान सरल होते हुए भी बार बार एग्जाम्स में आता है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे ही जाएंगे आपको, चाहे कितनी बार वो रिपीट हो रहा हो, कुछ एक क्वेश्चन होते हैं पूछे ही जाते हैं, और ये उसी प्रकृति का, उसी नेचर का क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में या फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना है अगर अपन देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, नेताजी है उन्होंने की थी, कब की थी, वर्ष 1939 में, 22 जून 1939 को जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके बाद से इसके बीज हैं वो बने शुरू हो गए थे। उसके बाद एक चुनाव हुआ था जिसमें सीतारामैया, पटाभी सीतारामैया और
अपने सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों के मध्य वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वो चुनाव हुए थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस हैं वो विजय हुए थे। सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे और सितारमैया जो महात्मा गांधी थे उनके काफ़ी नज़दीकी थे। इस कारण से महात्मा गांधी को ये सही नहीं लगा। और इस सब के बाद जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि सीतारामैया की हार है वो महात्मा गांधी की हार है, यानी महात्मा गांधी हारे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस की जो सदस्यता है उससे, और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बनाई थी, एक अलग एक गुट बनाया था, विचारधारा कांग्रेस से लगभग मिलती जुलती थी। और वर्ष 1939 में जो एक अलग दल बनाया था उसका नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ये पश्चिम बंगाल में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, आत्म सम्मान आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? आत्म सम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये कंबाइंड जो जियो साइंटिस्ट एग्जाम हुई थी फ्रेंड्स 2021 में शुरुआत में, उसमें आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है क्या होगा। ए में है सी एच अनादुरई, बी है ईवी रामास्वामी, सी है लक्ष्मी नरसू और डी है इयोति थास। आंसर सही बताओ क्या आंसर होगा। आत्म सम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी है वो सही होगा, ईवी रामास्वामी ने। ईवी रामास्वामी ने आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचायती राज संबंधी समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी? किस पंचायती राज समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी? ए में है बलवंत राय मेहता समिति, बी है अशोक मेहता समिति, सी है जीवी के राव समिति और डी है एलएम सिंघवी समिति। सही आंसर बताओ क्या होगा। किस पंचायती राज संबंधी समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी? आंसर सी है वो सही होगा, जीवी के राव समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी और उसको अपना भी लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोल या बाउल संगीत किस राज्य का है? बोल या जो बाउल संगीत है वो किस राज्य का है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और बार बार आने वाला है, पहले भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम हुई थी वर्ष 2021 में शुरुआत में, उसमें भी ये पूछा गया था। बोल या बाउल संगीत है वो किस राज्य का है? ए में है पश्चिम बंगाल, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु, डी है महाराष्ट्र। तो सही आंसर डी होगा, महाराष्ट्र। बोल या बाउल संगीत है वो महाराष्ट्र राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लगाना सही नहीं है, ये भी दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्जाम है 2021 उसमें आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो अमर बंगाल सोनार है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बांग्लादेश का राष्ट्रगान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना है? विक्टोरिया मेमोरियल है वो किस पत्थर से बना है? ए है संगमरमर, बी है पत्थर से साधारण पत्थर से, सी है लाल इंट और डी है ग्रेनाइट। तो विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना है? सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही होगा, विक्टोरिया मेमोरियल है वो संगमरमर से बना है। अगला क्वेश्चन है, महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? ए है गहरे समुद्र का मैदान, बी है महाद्वीपीय शेल्फ, सी है महाद्वीपीय ढाल और डी है महासागरीय गर्त। तो महासागर का जो सबसे गहरा हिस्सा होता है वो महासागरीय गर्त कहलाता है, महासागरीय गर्त कहलाता है। और पृथ्वी पर सबसे जो गहरा महासागरीय गर्त है, या पृथ्वी पर जो सबसे गहरा गर्त है महासागर में, वो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। महासागर का सबसे गहरा हिस्सा क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाने वाला है, जरूर नोट कर लीजिए। महासागर का सबसे गहरा हिस्सा महासागरीय गर्त होता है और पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? सुलह ए कुल है वो एक नीति थी, एक जो विचारधारा थी
इसकी शुरुआत है वो किसने की थी? अकबर ने। सुलह कुल है, नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने। अकबर ने अपनाई थी, लेकिन इसमें ये पूछा है कि सुलह कुल का अर्थ क्या है। ए में दे रखा है सभी धर्म समान है, बी में है ईश्वर एक है, सी में है सर्वोच्च निर्माता, और डी में है सार्वभौमिक शांति। सुलह एक कुल का क्या अर्थ होता है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आप इसे के अर्थ से भी समझ पा रहे होंगे, सुलह है ए कुल, अपन कहते हैं ना मिल बैठ के सुलह कर लो, है ना, वही है। सुलह एक कुल का अर्थ है क्या है, तो आंसर डी सही होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। सुलह एक कुल का है अर्थ सार्वभौमिक शांति, सभी जगह शांति हो। और ये नीति किसने अपनाई थी, सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? ए है दुरागर संधि, बी है अचल संधि, सी है हिंज संधि, और डी है कंदुक खलिका संधि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जनरल साइंस का, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कोई ज़्यादा आपको कोई इसमें को फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन नहीं रहते, जैसा कि जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ होते हैं उनको पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन। और वह अधिकांश क्वेश्चन है वो पहले आ चुके हैं, वही क्वेश्चन होते हैं। 20 में से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप यकीन मानिए 7 से 8 क्वेश्चन, 9-10 तक है क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, और अब जो आए हैं वो उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है वो सही होगा, दुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि है वो दुराग्र संधि होती है। अगला है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? ये भी जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम हुई थी 2021 शुरुआत में, उसमें आ चुका है। ए है पश्चिमी घाट, बी है इंडो गांगे मैदान, सी है दक्कन का पठार, डी है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आंसर बी है वो सही होगा, इंडो गांगे मैदान में, इंडो गांगे मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? सियाचिन जो ग्लेशियर है वो किस घाटी में स्थित है? ए है सिंगल घाटी, बी है नुब्रा घाटी, सी है गोरी घाटी गोरी गंगा, और डी है चंद्र घाटी। ए बी सी और डी में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा, नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी में। सियाचिन ग्लेशियर कौन से घाटी में स्थित है? नुब्रा घाटी में। अगला क्वेश्चन है, मुलायनगिरी शिखर किस पठार पर स्थित है? मुलायनगिरी जो शिखर है वो किस पठार पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, पीछे की एग्जाम्स है उसमें आ चुका है, और ये क्वेश्चन की जो नेचर है उसके अनुसार ही आगे भी जरूर पूछा जाएगा। मुलायनगिरी शिखर किस पठार पर स्थित है? ए है रांची का पठार, बी है कर्नाटक का पठार, सी है दक्कन का पठार, और डी है महाराष्ट्र का पठार। सही आंसर बताओ क्या होगा, मुलायनगिरी शिखर है वो किस पठार, मुलायनगिरी शिखर है वो किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन बी सही होगा, कर्नाटक के पठार पर। मुलायनगिरी शिखर है वो कर्नाटक के पठार पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ए में है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है अजातशत्रु, और डी है बिंबिसार। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सम्राट अशोक को, किस शासक को? सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सबसे पहले कि अपन जो यानी भारत है उस संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो सही आंसर बताओ क्या होगा, ए 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, और हर 2 वर्ष बाद है वो फिर से अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं या कितने हैं, यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य कितने हैं? ए में है 10, बी में है 5, सी में 8, और डी में 15। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ऑप्शन ए सही होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान में 10 सदस्य हैं,
वो अस्थाई है और 5 सदस्य वो स्थाई है। वर्तमान में भारत है वो मोदी जी के नेतृत्व में पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे भी जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता मिले, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है वो अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी परमानेंट मेंबर है। अगला क्वेश्चन है 23। भारत के किस नदी के किनारे भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन में इतना सरल है कि ऑप्शन बोलना सही नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा, डी सही होगा, हुगली। ऑप्शन डी सही होगा, हुगली। भारत में किस नदी किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना लगाया गया था? हुगली नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है हिमालय का मूल भाग किससे बना है? अच्छा क्वेश्चन है, हिमालय का मूल भाग किससे बना है? देखने में सिंपल लगता है, एकदम मासूम सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन है मासूम सा नहीं। हिमालय का मूल भाग किससे बना है? ए है संगमरमर, बी है चाक से, सी है चूना पत्थर और डी है ग्रेनाइट से। बताओ कौन सा आंसर सही होगा, हिमालय का मूल भाग किससे बना है? तो आंसर डी है, वो सही होगा, ग्रेनाइट से। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और आपका एक नंबर या तो आपको दे जाएगा या एक नंबर ले जाएगा। हिमालय का मूल भाग किससे बना है? ग्रेनाइट से। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे? वर्ष 1928 में बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे भाई? ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है कि जो प्रतिमा है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही डेडिकेट है। 31 अक्टूबर को इन्हीं की याद में है वो यूनिटी दिवस या एकता दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था इसी के दौरान वहाँ की बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो जो बारदोली सत्याग्रह था उसकी बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है सेकरेनई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सेकरेनई उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या त्रिपुरा? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा आंसर सही होगा, सेकरेनई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, नागालैंड में। सेकरेनई जो उत्सव है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, सेकरेनई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के मुख्य वास्तुकार कौन थे? स्वराज पार्टी के मुख्य वास्तुकार कौन थे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आंसर ए सही होगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है एसेज टेस्ट है वो किन दो पक्षों के बीच खेला जाता है? जो एसेज टेस्ट है, पहली बात तो एसेज जो टेस्ट सीरीज है वो क्रिकेट से संबंधित है और ये किन दो पक्षों के बीच खेला जाता है? ए में है न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज, बी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, सी है भारत और पाकिस्तान, डी है दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। तो एसेज टेस्ट सीरीज जो काफ़ी प्रचलित, काफ़ी फेमस है उस टेस्ट सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेली जाती है। ये क्वेश्चन जो क्रिकेट प्रेमी है उनको जरूर ये तो आता ही होगा, ऐसे टेस्ट सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है रॉ की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है उसकी स्थापना कब हुई थी? ए है 1968, बी है 1966, सी है 1967 और डी है 1965। सही आंसर बताओ क्या होगा, रॉ की स्थापना कब हुई थी? आंसर ए है, वो सही होगा, वर्ष 1968 में। रॉ की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1968 में। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय है
वो कहाँ स्थित है। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है 31, अवधि किसानों का नेतृत्व है कौन कर रहा था? अवधि किसानों का नेतृत्व है किसने किया था या कौन कर रहा था? ए है बाबा रामचंद्र, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है चितरंजन दास और डी में भी कोई एक और ऑप्शन मान लीजिए, महात्मा गांधी ले लीजिए चाहे, महात्मा गांधी। अवधि किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सही आंसर बताओ क्या होगा, बाबा रामचंद्र, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास या महात्मा गांधी? यानी ऑप्शन सेम है, कोई एक और ऑप्शन आप मान लीजिए या कोई और एक ऑप्शन होता तो सही आंसर बताओ क्या होता। अवधि किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए सही होगा, बाबा रामचंद्र। अवधि किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज कहाँ उड़ा था? दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज है वो कहाँ उड़ा था? सही आंसर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सीधे अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे ये करके। उत्तरी कैरोलिना में दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज है राइट ब्रदर्स ने, उत्तरी कैरोलिना में उड़ाया था। अगला क्वेश्चन है 33, कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? पहले बात तो देखिए दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि वीर शैव आंदोलन है वो कहाँ चला था या वीर शैव आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुई थी या वीर शैव आंदोलन है वो उसका उदय कहाँ हुआ था, तो आंसर क्या होगा कर्नाटक में। अब है कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? ए है बसवाना, सी बी है शंकरा, डी है तुकाराम और सी है तुकाराम और डी है रामानुज। सही आंसर बताओ क्या होगा ए बी सी और डी में से। ए विल बी राइट आंसर, बासावना। कर्नाटक में जो वीर शैव आंदोलन है उसके प्रारंभकर्ता उसको उसके जो अग्रज थे वो कौन थे? बासावना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में वारली विद्रोह, वर्ष 1940 में वारली विद्रोह किस राज्य में हुआ था? यानी वर्ष 1940 ईस्वी में भारत में वारली विद्रोह निम्न में से तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में से किस राज्य में हुआ था? तो सही आंसर बताओ क्या होगा, ऑप्शन डी है वो सही होगा, डी है उस राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। जो वारली विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में वर्ष 1940 में। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? मुदालियर आयोग है वो किससे संबंधित है? सुरक्षा नीति, माध्यमिक शिक्षा का स्तर उच्च करने से, केंद्र राज्य के संबंध को लेके या कोई गृह नीति को लेकर? तो मुदालियर आयोग का संबंध है, आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा, माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है उसे ऊंचा करने को लेके एक आयोग बनाया गया था जो कौन सा था? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग का संबंध किससे? माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने को लेकर। अगला क्वेश्चन है 36, डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम्स में ऑलरेडी आ भी चुका है और आगे भी आने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। अगला है, भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यूपी एससी की जो सीडीएस के लिए एग्जाम हुई थी 2021 शुरुआत में, उसमें भी ये आ चुका है, भाखड़ा नागला परियोजना कौन से नदी पे? सतलज नदी पे। कौन से नदी पर? सतलज नदी पर। अगला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? ए में है चेना, बी है लदांग, सी है मिल्पा और डी है उपयुक्त सभी। झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर बताना है क्या होगा, तो ऑप्शन डी है वो सही होगा, झूम खेती को इन तीनों नामों से जाना जाता है, चेना भी कहा जाता है, लदांग और मिल्पा, यानी चाहे झूम कह दो, झूम खेती कहो चाहे चेना कहो या लदांग कहो चाहे मिल्पा, झूम चेना लदांग और मिल्पा सभी का चारों का मतलब एक ही है। अच्छा क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक नाम देकर फिर से पूछ सकते हैं आपको कि इस खेती को और किस नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बाराबत्ती किला किस राज्य में स्थित है? बाराबत्ती किला है वो किस राज्य में स्थित है? ए में है केरल, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा।
ये आईबी की जो एग्जीक्यूटिव ग्रेड सेकंड के लिए एग्जाम हुई थी वर्ष 2021 शुरुआत में उसमें आ चुका है। बारावती किला किस राज्य में स्थित है? तो आंसर डी है, वो सही होगा, ओडिशा, ओडिशा राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन आ जाए कि ओडिशा राज्य का जो उच्च न्यायालय है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय वो कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या होगा? कटक में। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? पहले बात तो लखनऊ समझौता था क्या ये बताइए। वर्ष 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, उसमें कांग्रेस है वो दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल, यानी दो अलग अलग है वो विचारधारा में बंट गई थी कांग्रेस, जिसमें लाल बाल पाल है वो गरम दल के नेता थे और बाकी नरम यानी उदारवादी प्रकृति के नेता थे, जिनमें महात्मा गांधी ये सभी थे। लखनऊ समझौता कब हुआ था? जिसमें लखनऊ समझौते में क्या था कि ये दोनों जो दल है वो फिर से मुख्य रूप से एक हो गए थे, यानी एक लगभग है वो कुछ बातों को छोड़ के इनकी विचारधारा वो ये जो मेन स्ट्रीम है मुख्य धारा में आ गए थे। किस समझौते में? लखनऊ समझौते में। लखनऊ समझौता हुआ कब था? वर्ष 1919 में, 25 में, 1916 में या 1905 में? अब देखिए रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं और रेलवे के लिए चालू क्लास में अगर रेल ना आए ऐसा नहीं हो सकता। आप सुन पा रहे होंगे रेल की आवाज़ है, उसका हॉर्न सुन पा रहे होंगे, तो तब तक आप क्वेश्चन देखिए, जब तक रेल निकलती है तब तक फिर शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता ए बी सी और डी में से सही आंसर बताना आपको कौन सा होगा। ऑप्शन सी सही होगा, वर्ष 1916, वर्ष 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? वर्ष 1916 ईस्वी में। अगला है, स्पायरोगायरा शैवाल किसका उदाहरण है? स्पायरोगायरा शैवाल है वो किसका उदाहरण है? ए बी सी और डी में से भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल या सफेद शैवाल? तो स्पायरोगायरा जो शैवाल है वो हरे शैवाल का उदाहरण है, हरे शैवाल का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, स्पायरोगायरा शैवाल किसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार कितने राज्यों में है? दक्कन का पठार है वो कितने राज्यों में है? ए में है 8, बी में 6, सी में 3 और डी में 5। ऑप्शन ए सही होगा, 8। दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? 8। अगला क्वेश्चन है, युवा तुर्क किसका उपनाम है? युवा तुर्क है वो किसका उपनाम है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर होगा चंद्रशेखर। राइट आंसर क्या होगा? डी, चंद्रशेखर। युवा तुर्क किसका उपनाम है? चंद्रशेखर आजाद का। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित है? राजेंद्र गोयल का संबंध है वो किस खेल से है, या राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, जिमनास्टिक्स, टेबल टेनिस या तैराकी? तो ऑप्शन ए सही होगा, क्रिकेट से। राजेंद्र गोयल का संबंध किससे है भाई? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग जिसे वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जानते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है राजेंद्र प्रसाद, बी राधा कृष्णन, सी विश्वेश्वरैया और डी है जवाहरलाल नेहरू। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बोलने इतना समय अपने इसको नहीं देंगे। इस क्वेश्चन को जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उसमें भी योजना आयोग के दौरान भी, जब इसका नाम योजना आयोग था उसमें भी भारत का प्रधानमंत्री है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, और वर्तमान में जिसका नाम चेंज होकर नीति आयोग है, नीति आयोग का भी जो नीति आयोग में जो अध्यक्ष होता है वो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन डी है वो सही होगा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? ये दिल्ली पुलिस की जो SI की एग्जाम हुई थी 2020 की, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का
है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी, नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या गुप्त वंश, बताओ कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन सी है वो सही होगा। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश की। अगला क्वेश्चन है 47, भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही होगा, सुचिता कृपलानी, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो ऑप्शन क्या होगा, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, संत चरणदास की शिष्या कौन थी, संत चरणदास की शिष्या कौन थी, सहजोबाई, दयाबाई, रमाबाई या डी में है ए और बी दोनों, संत चरणदास की शिष्या कौन थी, तो सही आंसर होगा डी, जो डी ऑप्शन है इसमें ए और बी दोनों दे रखे हैं, ए और बी दोनों दे रखे हैं, यानी सहजोबाई और दयाबाई है वो संत चरणदास की शिष्या थी, दोनों ही संत चरणदास की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, सफदरजंग, सादत खां, शुजाउद्दौला या आसफउद्दौला, ए बी सी और डी में से सही आंसर बताना है क्या होगा। SSC जो CGL की एग्जाम हुई थी 2011 की, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार पूछा जाता है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, ऑप्शन बी क्या होगा सही, सादत खां, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, सादत खां। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, भाई साहब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना चाहिए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1773 से 75 तक, वर्ष 1773 से 75 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर, 1773 से लेकर 75 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, वारे ने हेस्टिगस। एक मैं आपको वो बताना भूल गया कि इसका यदि आपको PDF चाहिए इन सभी क्वेश्चनों का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ को आपको इसके टेस्ट भी मिल जाएंगे, वो भी आप इसे दे सकते हैं, यानी जैसा कि आप एग्जाम में टेस्ट देते हैं वैसे ही इसके क्वेश्चन होंगे, आप उनका टेस्ट भी दे सकते हैं और इस PDF को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वह 1773 से 75 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग कब पेश हुए थे, रेल बजट और वही ये तो अभी हुए, कोई ज़्यादा पुराना है ना क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल याद रखना चाहिए, रेल बजट और केंद्रीय बजट कब अलग अलग पेश हुए थे, वर्ष 2016 ईस्वी में, वर्ष 2016 में, सन बोलते बोलते ईस्वी की आदत पड़ गई, रेल बजट और केंद्रीय बजट कब अलग अलग पेश हुए थे, वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अफ्रीका में कहाँ स्थित है, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अफ्रीका में कहाँ स्थित है, नाइजर, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या दक्षिण अफ्रीका, सही उत्तर बताओ क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ए क्या होगा राइट आंसर, नाइजर में, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अफ्रीका में कहाँ स्थित है, नाइजर में। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये क्वेश्चन मतलब इतना सरल है फिर भी ये पूछा, पहले भी बहुत बार पूछा जाता था एग्जाम्स में और आगे भी पूछा जाएगा, और जिसने भी थोड़ी बहुत ही तैयारी की है यानी हल्का भारी भी अगर पढ़ा है, यहाँ तक कि अगर नहीं पढ़ा है ना वो भी सही करके आएगा, जिसने जो कक्षा 7, 8, 9, 10 वहाँ भी अगर है ना मतलब हल्का भारी नॉर्मल ध्यान दिए वो भी सही क्वेश्चन करके आया था, करके आएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम से आगे की उनमें जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन इसी नेचर के होते हैं वो पूछे ही जाते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से समय आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, आंसर बताओ क्या होगा, ए जो चोरी चोरा की घटना हुई थी फरवरी 1922 में, क्या हुआ था कि कुछ जो आंदोलनकारियों की उग्र भीड़ थी उन्होंने कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था, कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था, और उस घटना के बाद महात्मा गांधी ने बढ़ती हुई यानी हिंसा हिंसक रूप जब ये इस आंदोलन ने ले लिया तो इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी, 5 फरवरी 1922 की बात है। अगला क्वेश्चन है, सत शास्त्री संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है, सत साइंस
शास्त्रीय संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है भाई? देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी समय मत लगाओ। ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण या महाभारत? आंसर डी क्या होगा? सही होगा महाभारत। सतशास्त्री संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है? महाभारत का। और महाभारत है वो अब तक का लिखा गया सबसे बड़ा काव्य, सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, अजो सागर किससे जुड़ा हुआ है? अजो सागर है वो किससे जुड़ा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, CDS की एग्जाम है 2020 की, उसमें ये आ चुका है। काला सागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर या उत्तरी सागर? तो जो अजो सागर है वो किससे जुड़ा हुआ है बताओ। ऑप्शन ए सही होगा, काला सागर से। काला सागर से, अजो सागर किससे जुड़ा हुआ है? काला सागर से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? भाई साहब इसमें तो बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगाना है। ऑप्शन ए बी सी डी, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। में से सही आंसर बताओ क्या होगा? डी लक्षद्वीप। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ऑप्शन डी है जो लक्षद्वीप है वो सही होगा। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं, और इनमें आप अगर सोच सोच के टाइम लगाओगे, ये मैं कहता हूँ कि इतनी तैयारी कर लो कि इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको, मतलब जब इतना पढ़ लो ना शांता की इकाई, तो सीधा आपका जो पेन है या दिमाग है सीधा आंसर पर ही जाए, है ना? शांता की इकाई क्या है? पॉइज। क्या होगा? ऑप्शन ए वो सही होगा, मात्रक। और उनके जैसे मात्रक और उनसे रिलेटेड जो भौतिक राशियां हैं, और उनका MKS और CGS दोनों में मात्रक है। जैसे यदि अपन बल का बात करें तो बल का MKS में मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। जबकि वहीं अगर CGS में देखें तो क्या हो जाएगा? डाइन। और अगर 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन। ऐसे भौतिक राशियां हैं, इनको भी आप अच्छे से जनरल साइंस में जरूर कवर कीजिए। ये भी इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है वो जरूर आएगा एग्जाम्स में। श्यानता की इकाई क्या होगी? ऑप्शन ए सही होगा, पॉइज। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17 का संबंध है वो किस विषय से है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से, सती प्रथा के उन्मूलन से, उपाधियों के उन्मूलन से या दास प्रथा के उन्मूलन से? तो अनुच्छेद 17 का उन्मूलन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, और ये संविधान में जो ये जैसे कुछ एक अनुच्छेद है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आता ही आता है, यानी रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। तो अनुच्छेद 17 का संबंध है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से। अनुच्छेद 15 है वो आपको लिंग, जाति, धर्म, स्थान, भाषा, भेदभाव, इनके आधार पर भेदभाव को निषेध है, यानी लिंग, जाति, धर्म, जिसमें सभी किसी की भी प्रकृति के आधार पे किसी को भी वेश मान के आप भेदभाव नहीं कर सकते अनुच्छेद 15 के अनुसार। अनुच्छेद 16 के अनुसार क्या है? आपको समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और अनुच्छेद जो 18 है उसके अनुसार उपाधियों का अंत है, उपाधियां वो हटा दी गई आज़ादी से पहले। जो भी उपाधियां थी, जिसको भी जिस नाम से पुकारा जाता था, जिसको जिस सम्मान, उपाधियां जो भी थी उनका अब कोई महत्व नहीं है, उपाधियों के उन्मूलन से अनुच्छेद 18 का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सूरदर्शन झील किसने बनाई थी? सूरदर्शन झील है वो, इसका निर्माण किसने करवाया था? तुषार शास्प ने, सुविशाख ने, पुष्यगुप्त ने या चक्रपालित ने? अच्छा क्वेश्चन है, CGL के एग्जाम उसमें आ चुका है 2019 में। आंसर होगा सी, पुष्यगुप्त ने। सुदर्शन झील किसने बनाई थी? पुष्यगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, हरश्चरित के रचयिता कौन है? हरश्चरित के रचयिता कौन है? कम्बन, जिनसेन, बाण भट्टिया, दंडी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समय नहीं लगाना है। ऑप्शन सी क्या होगा? सही, हरश्चरित के रचयिता कौन है? बाण भट्ट। बाण भट्ट, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। और हर्षवर्धन है वो के बारे में एक फैक्ट कि हर्षवर्धन हर 4 वर्ष बाद अपना संपूर्ण धन वो प्रयाग के मेले में दान कर देते थे, प्रयाग के मेले में दान कर देते थे। कौन? हर्षवर्धन। हर्षचरित के रचयिता बाण भट्ट, और बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव पर रोक लगाता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद वो भेदभाव पे रोक लगाता है? देखिए क्वेश्चन फिर से घूम के आ गया।
हाँ, तो ये क्वेश्चन इस जो प्रकृति क्वेश्चन है वो आएंगे। ये अपने अभी देखा था, ऑप्शन ए बी सी और डी में से बताओ कौन सा आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव के आधार भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले त्रिआयामी 3D मुद्रित हृदय की रचना किसने की थी। विश्व के पहले त्रिआयामी 3D मुद्रित हृदय की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन ए बी सी और डी, इजराइल, केन्या, इथियोपिया और क्रोएशिया में से कौन सा आंसर सही होगा बताओ। इजराइल है, ऑप्शन ए सही होगा। विश्व के पहले त्रिआयामी 3D 3 डायमेंशन जो मुद्रित हृदय की रचना है वो इजराइल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षिपाक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। शुष्क क्षिपाक रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। सीजेल की जो एग्जाम होती है 2019 की फ्री टायरोफेस्ट की, उसमें आया हुआ है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी। तो जो शुष्क क्षिपाक रोग है वो विटामिन ए, ऑप्शन ए सही होगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला ये रोग है। विटामिन ए का अगर अपन देखें रासायनिक नाम तो क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए है वो गाजर में खूब होता है, गाजर में विटामिन ए है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग है वो, अगर क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, रासायनिक नाम पूछ सकता है। इसके अलावा विटामिन ए है वो आप में यदि विटामिन ए की किसी में कमी नहीं है तो उसकी जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसकी दृश्यता बाधित होती है। यानी विटामिन ए की कमी से आप में की जो विजिबिलिटी है वो भी डाउन होती है। अगला क्वेश्चन है 65, मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था। मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था। मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी या पानीपत। मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था। ए बी सी और डी में से सही आंसर बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन बी है वो सही होगा, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है वो कहाँ स्थित है। अगला ये जो क्वेश्चन है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, इसका आंसर अगर अपन देखें ए बी सी और डी में से बताओ सही आंसर क्या होगा। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। बार बार क्वेश्चन आते हैं उस नेचर का क्वेश्चन है, आंसर बी सही होगा, बीजापुर में। बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, बीजापुर में। अगला क्वेश्चन है 67, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समय नहीं लगाना चाहिए। डी ऑप्शन सही होगा, सरस्वती। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है। तीनों मंदिर है एक ही राज्य में है, आपको बताना है कहाँ स्थित है। बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, असम, तमिलनाडु, केरल या ओडिशा। ये भी सीजीएल की जो एग्जाम है 2019 की उसमें आ चुका है। ऑप्शन डी सही होगा, ओडिशा में। आपको क्वेश्चन बोलने के बाद 2-3 सेकंड में आंसर फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि जीके में सोचने वाला तो मतलब हल्का भारी सस्पेंस रहता है कि केरल होगा या उड़ीसा। ऐसा है नहीं कि आप कोई तरीका है जिसमें आप बता सकते हो सोच विचार के कि असम, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा में से कौन सा उत्तर होगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन होते हैं वो यदि आपको पता है तो इनमें समय लगने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है 69, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, वाराणसी, राजगृह, पाटलिपुत्र या मथुरा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, राजगृह। राजगृह, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगृह, और बाद में कहाँ ले गए थे, पाटली पुत्र। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जो थोक मसाला बाजार है, सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार वो कहाँ स्थित है। किसका, एशिया का, संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद।
चारों ऑप्शनों से ये तो जिंदगी भारत में स्थित है, लेकिन भारत में कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या अहमदाबाद? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार ऑप्शन ए क्या होगा? सही, दिल्ली में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। अगला है, राजा हर्षवर्धन ने किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? राजा हर्षवर्धन ने किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था? तो सूर्यवर्धन, राजवर्धन, चंद्रवर्धन या इंद्रवर्धन? ए बी सी डी में से बताओ कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? सही, राजवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर, थानेश्वर और कन्नौज का जो क्षेत्रफल था, जो जो एरिया था, इनके जो राज्यवर्धन के अंतर्गत आता था उस पर अधिकार कर लिया था किसने? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, 72 ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? देखिए, ओलंपिक में जैसे तीन तरह के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। उसमें यह पूछा है कि जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक है उसका मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक से मतलब है कि स्वर्ण में जिससे वो स्वर्ण पदक बना होता है उसमें अधिकांश कौन सा इलेमेंट होता है, मटेरियल होता है? कांस्य होता है, ताम्र होता है यानी तांबा होता है, सोना होता है या चांदी? आंसर है वो काफ़ी आसान है, ऑप्शन डी है वो सही होगा। ओलंपिक स्वर्ण पदकों में जो चांदी है वो 92% के आसपास है, 92 पॉइंट कुछ% तक है वो चांदी होती है, सिल्वर है, होती है स्वर्ण पदक में भी, स्वर्ण पदक में भी वो कुछ है वो कॉपर होता है और बाकी एयू ओरम गोल्ड होता है। तो ओलंपिक स्वर्ण पदकों का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? चांदी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये गलत हो सकता है क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं कि आप सी क्या करते हो, सी सोना सही करोगे, जबकि ऐसा नहीं होता, स्वर्ण पदक होता है लेकिन 92% के आसपास तक क्या होती है? चांदी होती है। 2020 जो ओलंपिक वर्तमान में जो टोक्यो में चल रहे हैं उसका पहला स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक भी नीरज चोपड़ा, किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बनेगा कि ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है उनका भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन है, 73 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? ए है 2 मई 1950, बी है 2 मई 1951, सी है 2 जून 1951 और डी है 22 जून 1951। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आने वाला है। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संघ की स्थापना कब हुई थी? बी आंसर सही होगा, 2 मई 1951 ईस्वी को, 2 मई 1951 ईस्वी को। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, श्रमिक दिवस। अगला क्वेश्चन है, 74 नंबर, अप्रैल 1930 के चित्तगोंग हथियारखाने की लूट की जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी? उसके वो कर्णधार सूत्रधार कौन थे? अप्रैल 1930 में जो चित्तगोंग हथियारखाने की जो लूट हुई थी वो किसने बनाई थी उसकी योजना? सूर्यसेन, भगत सिंह, राजगुरु या भगवती चरण वोहरा? बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? सूर्यसेन। अप्रैल 1930 में चित्तगोंग हथियारखाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण है वो कब किया था? तो आंसर है, बताओ कौन सा सही होगा। बार बार ये आने वाला क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पे आक्रमण किया था, 1025 ईस्वी में सोमनाथ पे आक्रमण किया था, प्रथम आक्रमण। अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आपको बताना है, डियर स्टूडेंट्स दिस इज फॉर यू। इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है क्या है कि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी से मिला जुला ग्रह कह सकते हैं, पृथ्वी की बहन है वो किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ए में है बुध, बी में है शुक्र, डी सी में है मंगल और डी में है प्लूटो। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? सही आंसर इनमें से जो भी है वो आपको नीचे कमेंट में बताना है
कि सही आंसर क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके और कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका जो आप PDF है इन सभी क्वेश्चनों का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं SSC और रेलवे के लिए फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं उसका भी लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप जाके नीचे जैसा एग्ज़ाम्स आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी रेलवे की SSC GD की उसमें जो क्वेश्चन आते हैं सेम उसी टाइप से ऑनलाइन जो एग्ज़ाम क्वेश्चन होते हैं उसी तरह से आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और नीचे इसका जो PDF का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स साथ में आप ये भी बताइए कि ये सेशन है आपको कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार क्या हो सकता है, जैसे अपन स्पीड बढ़ाएं या क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएं या क्वेश्चनों को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें, जैसे मतलब ग्रह की बात आई तो कितने ग्रह हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, मतलब आप किस तरह से क्वेश्चनों को क्लास किस तरह से देखना चाहते हैं। पर डे आपको एक वीडियो है जनरल साइंस और अवेयरनेस का मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा है तो मैथ और रीजनिंग के भी है, वो अपन शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कैसे करें यानी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इतना अपन को समय नहीं होता कि डिस्क्रिप्टिव तरीके से अपन क्वेश्चन करके आंसर फाइंड आउट कर सके। किसी भी क्वेश्चन को एकदम पूरा सब्जेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते, विद इन 30 से 35 सेकेंड आपको पूरी कैलकुलेशन करके आंसर बताना होता है और अगला 7 नेक्स्ट करके अगले पे जाना होता है, 35-40 सेकेंड मान लीजिए। तो अगर आपकी इच्छा है तो मैं तो रीजनिंग के पे भी अपने वो क्लास शुरू करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कमेंट में जनरल साइंस और अवेयरनेस की आपकी डिमांड थी कि जनरल साइंस पे जनरल अवेयरनेस पे अपने क्लास रखें, तो पर डे जनरल अवेयरनेस और साइंस पर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लास आएगी। आप सभी वीडियोज़ हैं उनको कंप्लीट देखें, सभी क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आपकी शंका फिजिकल मेडिकल को लेके रेलो ग्रुप डी से रिलेटेड वो आप कमेंट में बता सकते हैं।